धन मन धन और जरूरत पड़ी तो गन, ये चुनाव जितवा के लाएंगे। धन मन धन और जरूरत पड़ी तो गन से चुनाव जितवाएंगे। अभी आपने वीडियो का कुछ अंश सुना है, अभी आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। उस वीडियो में आप देखिएगा कि कैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ लोग जो है वो एक जगह पे खड़े होकर ये संकल्प ले रहे हैं और बता रहे हैं कि तन मन धन तो छोड़ दीजिए, जरूरत पड़ी तो गन से चुनाव जितवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कई राज्यों में चुनाव होने वाले, अब एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। अलका लांबा जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उसने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। राजेश साहू है जो इस वीडियो को ट्वीट करते हैं और इस बात की जानकारी देते और बताते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ लोग एक जगह पे खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि तन मन धन और जरूरत पड़ी तो गन से चुनाव जितवाएंगे। मैं चाहता हूं आप पहले इस पूरा वीडियो को देखिए। पूरा वीडियो आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो कुछ लोग, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ लोग हैं, वो बता रहे हैं कि हम चुनाव जो है वो गन से भी जरूरत पड़ी तो जितवाएंगे। आप पहले देख लीजिए इस वीडियो को, उसके बाद क्या लिखा गया है इस ट्वीट में वो भी आपको आगे बताऊंगा। आप पहले देखिए इस वीडियो को। हमारे को ज्यादा बोलना तो आता नहीं युवा मोर्चा, हमारे को करना आता है। वाह, ठीक है जी। और जो हमारे सारे युवा साथी खड़े हैं, इन सबकी शक्ति को देख करके, इन सबके प्रयासों को देख करके हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा सदर बाजार मंडल का एक एक युवा कार्यकर्ता, एक एक साथी, तन मन धन और जरूरत पड़ी तो गन, ये चुनाव जितवा के लाएंगे। वीडियो देख लिया आपने, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग थे जो चुनाव जितवाने की बात कर रहे हैं। और किसे चुनाव ये लोग जितवाएंगे ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये लोग कौन है और किसे जितवाने की बात कर रहे हैं ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। राजेश साहू है जो लिखते हैं, एक अनपढ़ नेता धन और गन के बलबूते चुनाव जिताने की बातें कर रहा है, ना पुलिस में कोई केस दर्ज और ना ही चुनाव आयोग ने कुछ कहा। ये राजेश साहू है जो लिखते हैं और आगे लिखते हैं, यही दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता होते और ऊपर से अगर मुसलमान होते तो फिर क्या होता, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और ये लिखते हैं कि आप मतलब गन की बात को हल्के में ले सकते हैं, लेकिन अगर इससे किसी की मौत हुई या फिर हिंसा भड़का तो इसका जवाबदेही कौन होगा इसका जवाबदेही। अलका लांबा भी इसी वीडियो को ट्वीट करके आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। अब जरा ये बताइए कि क्या पुलिस इन सब वीडियो पे संज्ञान लेगी? जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में चुनाव होने वाले, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाला है और उस वक्त ये वीडियो जो है वो सामने आता है। हमारे तरफ से इस वीडियो का कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन वीडियो में ये कहा जा रहा है और राजेश साहू है, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है इस वीडियो को। हालांकि पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए कि ये लोग कौन है और किस लिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हम गन से चुनाव जितवाएंगे। और किसे जितवाएंगे ये लोग ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को जो आपको इस वीडियो में देखने को मिला है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।